हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वप्निल और जायका स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ, बट वो थोड़ा ट्विस्ट के साथ है। और ये ट्विस्ट देखने के लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब पास्ता बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें पास्ता बॉईल करना होगा। इसके लिए मैं एक कढ़ाई में लगभग 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक और इसको ढककर बॉईल आने का वेट करते हैं। मेरे पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें 1 कटोरी पास्ता डाल रही हूँ। मैंने आज पास्ता बनाने के लिए ये वाला पास्ता यूज किया है। आपके घर में जो सभी पास्ता अवेलेबल हो आप वो वाला यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है। अब हम इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे। मेरी फ्लेम फुल पे है, फुल फ्लेम पर ही हम इसे बॉईल करेंगे। मेरे पास्ता को बॉईल होते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आइए मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ। हमें इसे पूरा 100% कुक नहीं करना है, अराउंड 90% हमें कुक करना है। जब मैं इसको नाइफ से कट लगा रही हूँ तो ये आसानी से कट जा रहा है। बस इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। और इसको एक बार ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल स्टॉप हो जाए। अब पास्ता बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कटे हुए लहसुन और 2 हरी मिर्च। इसको चला के लगभग 10 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत सारी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने ग्रीन कैप्सिकम लिया है, रेड एंड येलो बेल पेपर्स, कॉर्न, ब्रोकली, प्याज, गाजर। आपके घर पे जो सी भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप वो यूज करिएगा। मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी है। अब हम इसे फुल फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें इन्हें बस सौते करना है, बहुत ज्यादा इन्हें कुक नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी मिल्क। अगर आपको पास्ता में सॉस थोड़ा ज्यादा पसंद हो तो आप मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। चलिए मिल्क में बॉयल आने का वेट करते हैं। फ्लेम मेरी हाई पे है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज। मैं प्रोसेस चीज यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास प्रोसेस ना हो तो आप मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। मैंने लगभग 2 टेबलस्पून इसमें चीज ऐड किया है। अब चीज को मेल्ट होने तक हम इसे कुक करेंगे। मिल्क में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, लगभग 1/8 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। अब मैं इसमें कुछ ऑलिव्स डाल रही हूँ। मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। अगर आपको ऑलिव्स मिल जाएं तो आप डालिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसको थिकन करने के लिए एक स्लरी इसमें यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था और उसमें लगभग 1/2 कप पानी डाल के उसकी एक स्लरी बना ली है। इसको हम मिल्क में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइम लगे कि आपका मिल्क बहुत कम है तो आप 1/2 से 1 कटोरी और मिल्क इसमें ऐड कर लीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 पिंच जायफल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट आप एक बार ऐड करके देखिएगा, आपके व्हाइट सॉस पास्ता का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये मैंने इसको ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। हमारे पास्ता को और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इस टाइम आप नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको नमक थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें लगभग 1/4 चम्मच और नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको सॉस थोड़ा और चाहिए हो तो आप मिल्क भी इस टाइम पे ऐड कर लीजिए। अब मेरा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर रेडी है, चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने व्हाइट सॉस पास्ते को सर्व कर लिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो और डाला है। वैसे तो हम व्हाइट सॉस पास्ता में हमेशा मैदा यूज़ करते हैं, बट आप एक बार कॉर्नफ्लावर ऐड करके देखिएगा, आप कभी उसके बाद मैदा नहीं ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।